पनीर से बनने वाली रेसिपी तुमने बहुत सारी देख ली, पर आज हम देखेंगे पनीर कैसे बनाए घर पर। ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट लग रहा है। इसका मैं रिकॉर्डिंग करते हुए जब मैं वीडियो बना रही थी तभी मैंने इसके दो पीस तो खा लिए थे। इतना यम्मी लगता है, इतना मुँह में अच्छा लगता है, घुल जाता है। तो चलिए ऐसा ही पनीर बनाएंगे हम घर पर, बहुत ही फ्रेश। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू माय चैनल, आई एम पायल राठवा। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया फुल फैट दूध, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है फुल क्रीम मिल्क। तो मैं यहाँ पर एक लीटर ले रही हूँ, यानी कि दो थैली है ये। तो इसे हम एक हैवी बॉटम वाले जो पैन आते उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मिल्क मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब गैस ऑन करके दूध को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम आपको रखनी है मीडियम या तो लो। मैं यहाँ पर लो फ्लेम पर रखूँगी। 15 से 20 मिनट में दूध उबल जाएगा। ये देखिए दूध उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं दूध को फाड़ने के लिए ले रही हूँ एक बड़े नींबू का रस। यहाँ मैंने इसको निकाल दिया है और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी, जिससे एकदम खट्टा टेस्ट ना आए। एकदम अच्छे से उबलता है तब तक हम देख लेते हैं हम इसे किससे छानेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो कपड़े लिए। यहाँ पर एक मैंने दुपट्टे का कपड़ा लिया है, देख सकते हैं एकदम पतला है। और यहाँ पर आप ले सकते हो हैंकी, ये जो बड़े वाले हैंकी आते हैं वो ले सकते हो, और रुमाल। पर मैं इस रुमाल को मैं नहीं बिगाड़ूंगी, तो इसलिए मैंने जो दुपट्टे का टुकड़ा था वही मैं यूज़ करूँगी, जो मैं हर बार यही यूज़ करती आ रही हूँ। तो इसे हम एक पतीले के ऊपर बिछा देंगे। तो ये देखिए दूध में उबल एकदम अच्छे से आ रहा है। अब एक बार इसे हम चला लेंगे। एक बार चला लेने के बाद एक तो आपकी ग्लेस की फ्लेम आपको लो रखनी है, और इसे एक बार चला लीजिए और इसे आधी मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। अब फाइनली हम दूध को फाड़ देंगे। तो ये देखिए एक बार इसे मिक्स कर ले, और एक हाथ में रखेंगे जूस लेमन का। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए थोड़ा डालें, फिर इसे एक बार चला ले। चला लेने के बाद फिर दूसरी बार और डालेंगे और फिर वापस से चला लें। और ये आप क्लियरली सी देख सकते हो कि दूध फट चुका है। ये देखिए ये अपने सारा डाल दिया है। तो ये एकदम अच्छे से फट चुका है। अब इसे हम एक मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। इसकी किनारियों से सारा जो मलाई का पार्ट है वो हम ले लेंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। तो अब इसे हम छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने जो कपड़ा रखा था उसमें इसे डाल देंगे। तो ये जो उसका एक्स्ट्रा पानी जो बचता है ना नीचे वाला, उससे वो बहुत हेल्दी है। उससे आप रोटी गूंथकर रोटी बना सकते हो, या तो सब्जी में भी इसे यूज़ कर सकते हो। जो ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हो उसमें भी ये यूज़ कर सकते हो। तो अब कपड़े को उठा करके जो हमारा जो छेना तैयार हुआ है उसे निकाल देंगे, और साथ ही में एक बॉल में रखे ठंडा पानी, जिसे हम गर्म पानी में से इसे निकालेंगे। तो इसे डायरेक्ट ठंडे पानी में इसे डुबो देंगे, जिससे जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाएगा। और इसे ऐसे हाथों से दबा लें। अब सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लें और इसे ऐसे पोटली बना लें। और इस पोटली पर हम पारी वाली चीज़ रख देंगे जिससे पानी निकल जाए। ये देखिए आप देख सकते हो पानी कैसे निकल रहा है। या तो आप इसको हैंग भी कर सकते हो। ये देखिए इसे ऐसे ही रखिए एक घंटे के लिए। एक घंटे के बाद सारा एकदम अच्छे से पनीर सेट हो जाएगा। एक घंटे के बाद हम चेक कर लेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से सेट हुआ है हमारा पनीर। तो पनीर को हम काट लेते हैं। ये देखिए कभी कभी क्या होता है, अच्छे से पनीर सेट नहीं होता है, या तो पनीर अच्छे से नहीं बनता है, तो पनीर काटते वक्त वो एकदम भुर्जी जैसा बन जाता है, एकदम चूरा चूरा बन जाता है। ये देखिए एकदम अच्छे से पीस पड़ रही है इसके। तो
है ना आसान पनीर बनाना घर पे। तो पनीर की ये वाली यानी कि पनीर कैसे बनाए ये वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से आकर सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही मज़ेदार सी वीडियो लेके आऊँगी मैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।